हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में भी दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। एक स्कूल के लिए है, एक नया स्कूल है, वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं स्कूल टीचर्स के लिए और अच्छी सैलरीज वो पे करेंगे। और दूसरी एक एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और बाकी पोजिशन पे वैकेंसीज ओपन है। तो दोनों की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने नेटवर्क में अगर आप इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। तो आइए इनकी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूं। तो ये स्कूल का एडवर्टीजमेंट है जो कि कल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। इसमें जो वैकेंसीज है, नया स्कूल है एक्चुअली, IGCSE बोर्ड से एफिलिएटेड रहेगा जो कि इंटरनेशनल बोर्ड है। और वैकेंसीज उसमें है मदर टीचर एंड असिस्टेंट टीचर के लिए, एक तो वैकेंसी है नर्सरी और केजी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, क्योंकि नया स्कूल है और वहीं से शुरू बेसिकली होगा। फिर लैंग्वेज टीचर की रिक्वायरमेंट है जो कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन और जैपनीज, ये लैंग्वेज सिखाएंगे। मैथमेटिक्स टीचर के लिए वैकेंसी है। फिर ICT टीचर के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए या तो आपने BTech किया हो या फिर MScIT या फिर MCA आपने करा होना चाहिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स कोचेस के लिए वैकेंसीज हैं जो कि स्क्वैश, स्विमिंग और शूटिंग, ये तीन गेम बेसिकली सिखाएंगे। उसके अलावा म्यूजिक टीचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें वेस्टर्न म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल आपने सिखाना है, म्यूजिक ग्रेजुएशन आपने करा होना चाहिए। काउंसलर के लिए वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी मांगा हुआ है या फिर डिप्लोमा आपने करियर काउंसलिंग और गाइडेंस में करा होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है और रिसेप्शनिस्ट के लिए भी पोजीशन है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ओपन है। इन्होंने पर 5 साल का एक्सपीरियंस एक्चुअली इसके लिए मांगा है किसी IGCSE स्कूल में, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ऑब्वियसली आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। तो ये पावना इंटरनेशनल स्कूल है अलीगढ़ में, नया स्कूल एक्चुअली ओपन हो रहा है, तो वहाँ ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है। 11 को ये पब्लिश हुआ था, यानी आप 25 तारीख तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूल की वेबसाइट है जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड फॉर, इतनी वेबसाइट है, अभी डिटेल में नहीं दिया गया है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट आप देख सकते हैं इनके एडवर्टीजमेंट से जो हमने शेयर किया है। क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब आपने इसमें जो है डालने हैं। उसके बाद आपका फोटो और CV आपने अपलोड करना है और फिर आपने सबमिट कर देना है। तो ये एक वैकेंसी है जो कि पावना इंटरनेशनल स्कूल में है। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन में, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आई हुई है, जिसमें उनका जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें अपॉर्चुनिटीज है। एक्चुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट है उसमें, फिर इंजीनियरिंग के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है। स्कूल ऑफ एजुकेशन में वैकेंसीज हैं, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में वैकेंसीज हैं। फिर जो नर्सिंग वाला डिपार्टमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा जो स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह आता है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ओपन है। स्कूल ऑफ फिनेंस एंड कॉमर्स में वैकेंसीज हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, फिर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज जिसमें इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश आता है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इन सभी में अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। उसके अलावा ट्रेनर्स और कोडर्स की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें एडजंक्ट फैकल्टीज की रिक्वायरमेंट है अगर आपको गवर्नमेंट में या कॉरपोरेट में एक्सपीरियंस है तो। और उसके अलावा कॉरपोरेट जो नॉन एकेडमिक पोजिशन है इंजीनियर वगैरह के लिए भी पोजिशन यहाँ पे ओपन है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, PhD इन्होंने मांगा है। और इनकी वेबसाइट, अगर आपने डिटेल में इनके कोर्सेज वगैरह देखने हैं तो इनकी वेबसाइट आप रेफर कर सकते हैं। ये इन्होंने दिया हुआ है
ईमेल आईडी जिसके ऊपर आपने अपना रिज्यूमे इनको भेजना होगा। ये है recruitments@galgotiasuniversity.edu.in, इसके ऊपर आपने भेजना होगा और फिर उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो। और कोई प्रोसीजर नहीं है। दूसरा ये है कि आप उनको फिजिकल कॉपी भी उनके एड्रेस पे भेज सकते हैं डायरेक्टर एचआर के नाम से, बट ऑब्वियसली बेटर रहेगा अगर आप उनको ईमेल कर दें तो। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई करें। ग्रेटर नोएडा में पड़ती है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर पड़ती है, ग्रेटर नोएडा से थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो होपफुली दीज वैकेंसीज विल बी यूजफुल फॉर यू। विल अगेन कम बैक विद सम मोर ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।